नमस्कार। जनमत के पुकार में आप सबका स्वागत है। दिल्ली में रामनवमी के उपलक्ष्य में राधा माधव निष्काम सेवा समिति ने कराया 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह। राधा माधव निष्काम सेवा समिति के तत्वाधान में रविवार को 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान 11 जोड़ी दाम्पत्य जीवन में बंध गए। यह विवाह समारोह रामनवमी के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर धूमधाम से दूल्हों की बारात निकली। जगह जगह लोगों द्वारा पुष्प वर्षा करके बारात का स्वागत किया गया। उसके पश्चात बारात एम ब्लॉक मुल्तान नगर स्थित सामुदायिक भवन पहुंची, जहां संपूर्ण हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 11 जोड़ों का विवाह कराया गया। मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए गए। सामूहिक विवाह के लिए वरवधु सेवा भारती द्वारा सुझाए गए थे। सामूहिक विवाह समारोह में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया, निगम पार्षद नीरज गुप्ता और पार्षद वंदना जेटली अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर राधा माधव निष्काम सेवा समिति के संस्थापक अरुण बंसल, चेयरमैन हरिमोहन अग्रवाल, प्रधान नीरज गर्ग, महासचिव संजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष अशोक गर्ग व अन्य पदाधिकारियों ने उपस्थित रहकर वर वधु को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। विदाई के समय राधा माधव निष्काम सेवा समिति की ओर से सभी जोड़ों को उपहार स्वरूप गृहस्थी का सामान दिया गया, जिनमें बर्तन, पंखा, LED, पलंग, कपड़े व अन्य सामग्री शामिल थी। गौरतलब है कि राधा माधव निष्काम सेवा समिति दिल्ली की प्रमुख समाज सेवी संगठन है। राधा माधव निष्काम सेवा समिति पिछले कई वर्षों से सामाजिक व कल्याणकारी कार्य कर रही है। समिति द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन व दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सेवाओं के बदले समिति लोगों से मामूली कीमत चुकाने का आग्रह करती है, वो भी इसलिए ताकि लोगों का आत्मसम्मान कायम रहे। दवाई सेवा के लिए राधा माधव निष्काम सेवा समिति की अपनी एक समर्पित दवा दुकान है। इसके अलावा राधा माधव निष्काम सेवा समिति पिछले 12 वर्षों से निर्धन कन्याओं के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करती आ रही है। अन्य वर्षों की भांति इस बार भी समिति सनातन परिवार की 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। वरवधु को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जी। सर, क्या आशीर्वाद दिया है वरवधु को? देखिए, राधा माधव निष्काम सेवा समिति की ओर से 11 जोड़ों की आज शादी कराई गई है। मैं पहली बात तो उनको बहुत बधाई देता हूं, इतना पुण्य का काम वो कर रहे हैं, और मेरी ओर से सभी वरवधु को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बधाई। सर, आज रामनवमी का बहुत बड़ा त्यौहार है, सर किस रूप में बधाई देना चाहेंगे? तो रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, तो मैं कहूँ सभी का आभार, धन्यवाद। देखिए सर, ईश्वर ने जब मानव और मानवता की संरचना की थी तो उसके जिम्मे कुछ दायित्व दिए थे, और वो दायित्व उनके प्रति थे जो वंचित थे। आज यहाँ पर राधा माधव निष्काम सेवा समिति द्वारा सामूहिक विवाह करके समाज के उस दायित्वों का पालन किया जा रहा है जो वंचित लोग हैं, जो जरूरतमंद है। और कन्यादान का जो संस्कार है, ये अपने आप में एक बड़ा संस्कार है। कन्यादान करके आप तीर्थ यात्रा के समान पुण्य प्राप्त करते हैं। मैं संस्था के सभी लोगों को, यहाँ के निगम पार्षद नीरज जी को, यहाँ के मंडल अध्यक्ष नीरज गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे पुनीत अवसर में मुझे यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया और मेरी सहभागिता करी। 11 जोड़ों की शादी कराई जा रही है संस्था द्वारा। बड़ा ही शुभ दिन है रामनवमी का, और जो राधा माधव सेवा समिति इस कार्य करती है, मैं इनको साधुवाद देना चाहूँगा। जो वंचित लोग हैं समाज के, उन बेटियों की शादी कराने का ये जुम्मा ले रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म के अंदर कन्यादान का बहुत ही बड़ा महत्व मानते हैं। गंगा स्नान से भी बड़ा महत्व कन्यादान का है, तो इन्होंने ये बड़ा अच्छा कार्य किया। मैं इनको साधुवाद देता हूँ और परमपिता परमात्मा के चरणों में ये अरदास करता हूँ कि इन संस्था को ऐसी शक्ति देते रहना जो वंचित लोग हैं उनके ऐसी शादियाँ होती रहे, परिवार बसते रहे, खूब खुशहाल रहे वो लोग। विवाह में कन्याओं का आशीर्वाद देने पहुंचे वंदना जेटली जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं इन लोगों को? इनको आशीर्वाद सदैव मेरा साथ है, क्योंकि ये एक गृहस्थी का पहला मोड़ है, शादी के बाद एक गृहस्थ जीवन। सो यही मेरी शुभकामनाएं हैं, ये बच्चे खुश रहें
बहुत अच्छे से अपने घर को बसाएं, और जो ये राधा माधव निष्काम सेवा समिति है इनके माध्यम से इन बच्चों की शादी हो रही है। ये सेवा भारती इनके साथ है जुड़ी हुई, सो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये बच्चे वो हैं जो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, तो इनके इनमें एक सबसे बड़ी बात है, एक वो है ब्लाइंड है कपल और उनकी भी शादी है, तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं सेवा भारती के साथ मिल के, राधा माधव निष्काम सेवा समिति ये मिल के बहुत अच्छा काम करते हैं। ये जेटली साहब, आज पावन त्यौहार भी है, रामनवमी मनाया जा रही है, जो हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। मैं इस रामनवमी के पावन पर्व पर पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। राम जी सब पे कृपा बनाए रखें, और जो सेवा कार्य में लगे हैं उनको और आशीर्वाद दें, ताकत दें, ताकि जैसे सेवा भारती है, राधा माधव निष्काम सेवा समिति है, ये सब बहुत अच्छे से काम करते हैं। आज के दिन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 कन्याओं का ये शादी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सेवा कार्य हमेशा चलते रहे, मैं ऐसे भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं। आज हमने 11 जोड़ों की व्यवस्था करी है, और हर साल 11 जोड़ों की ही व्यवस्था हम करते हैं, और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपनी सारी टीम का, सारे कार्यकारिणी सदस्यों का, सबका, और जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में ऑर्गेनाइज करने में हमारा सहयोग दिया। सर, क्या इनके जरूरतमंदों को सामान भी देते हैं ताकि उनका, मैं चाहूँगा कि आप हमारा जहाँ वेदी बनी है और जहाँ सामान की व्यवस्था है वो एक बार देख के आए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा कि हम हर दंपति को एक टोटल जरूरत का सामान हम देते हैं और हर साल देते हैं, और इसका सहयोग हमें लोगों से बहुत सारा मिला है। इस संस्था के माध्यम से और क्या क्या सेवा करते हैं? संस्था के माध्यम से मैंने आपको पहले भी एक पत्रकार उसमें बताया था कि हमने मेडिकल शॉप बहुत बड़ी खोली भी है, जहाँ पे हम 90% दवाइयों पे छूट दे रहे हैं लोगों को, जनहित में हम वो काम कर रहे हैं। रसोई सेवा हम दे रहे हैं, जिसमें 10 रुपये का खाना खिला रहे हैं, और आज ये भव्य आयोजन आप देख रहे हैं जिसमें कम से कम 1000 आदमियों की हमने व्यवस्था करी हुई है खाने पीने की। आज पावन दिन है, रामनवमी का भी दिन है, क्या कहना चाहिए? मैं जनता को, पूरे देश के लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, अपने संस्था के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और हम ये रामनवमी पे ही कार्यक्रम करते हैं ताकि एक पावन पर्व रहे और लोग हमें सराहें। ये हमारा आयोजन तकरीबन 12 वर्षों से चल रहा है, और अब की बारी 13 वर्ष से है। पिछले 2 साल से कोरोना काल की वजह से हुआ नहीं है, तो आज 15 वर्ष हो गए हमारे को इस सेवा करते हुए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।